यूपी में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, जिसको लेकर उन्नाव जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है और जगह जगह शहरी व ग्रामीण इलाकों में दुकानों पर छापेमारी कर प्लास्टिक थैली जब्त की। इसी क्रम में आज शाम शहर पंचायत हैदराबाद में भी पॉलीथीन मुक्त अभियान चलाकर नगर पंचायत हैदराबाद को पॉलीथीन मुक्त करने की अपील की गई। आज शाम नगर पंचायत हैदराबाद के बाजार में दुकानदारों में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जिला प्रशासन और नगर पंचायत कर्मियों द्वारा जिले और नगर पंचायत में कई टीमों का गठन छापेमारी की गई। इस छापेमारी में दुकानों में मिली पॉलीथीन जब्त कर ली गई और उसे आग के हवाले कर नष्ट भी कर दिया गया। वहीं नगर पंचायत हैदराबाद में अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार चतुर्वेदी ने भी पुलिस प्रशासन के साथ ये अभियान चलाकर नगर को प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प लिया। वहीं जिलाधिकारी उन्नाव देवेंद्र पांडे ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्लास्टिक बैन अभियान जारी रहेगा, साथ ही अतिक्रमण चलाकर पॉलीथीन जब्त की जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे शासनादेश के अनुसार जो है पॉलीथीन पे प्रतिबंध करने का जो है शासनादेश जो निर्देश आया था उसके तहत नगर पंचायत हैदराबाद का अधिशासी अधिकारी मैं संतोष चतुर्वेदी और वरिष्ठ लिपिक श्री आशीष जी, हैदराबाद चौकी इंचार्ज प्रदीप जी और सभी कर्मचारियों ने जो है पूरे हैदराबाद कस्बे का भ्रमण किया जो है और जहां पॉलीथीन लोगों में जन जागरूकता बनाई कि जो है जहां भी पॉलीथीन का इस्तेमाल हो रहा हो उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद करें जो है और जहां भी पॉलीथीन पाई गई उसको जब्त किया गया जो है और कुछ लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया जो है और आगे से उनको पॉलीथीन ना यूज करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही कई लोग ऐसे भी मिले, कई दुकानदार ऐसे भी मिले जिन्होंने पॉलीथीन का उपयोग पहले से ही करना बंद कर दिया था और वो जूट और कपड़े के बने थैले इस्तेमाल कर रहे हैं जो है और हम मुझे पूरी उम्मीद है जो है जिस तरह से दुकानदारों ने व्यापारियों ने सहयोग किया है और हैदराबाद नगर पंचायत हैदराबाद को जो है पॉलीथीन मुक्त कस्बा बनाया जा सकेगा जो है, इसके लिए मैं सभी दुकानदारों और व्यापारियों का और अपने सभी सहयोगियों का आभारी हूँ। जो पॉलीथीन है उस पर कंप्लीट बैन होना है और उसके साथ साथ 15 अगस्त तक जो प्लास्टिक के दोने हैं, प्लास्टिक की पतले हैं, प्लास्टिक का चम्मच है, प्लास्टिक का कांटा है, इन सब पर बैन करना है और 2 अक्टूबर से पूरी तरीके से प्रदेश को और जनपद को पॉलीथीन से मुक्त करना है। इस संबंध में हमारी कार्ययोजना बनी हुई है जिस पर हमने डिटेल में बैठक कर लिया है और जितने व्यापारिक और औद्योगिक संगठन हैं उनसे भी हम सहयोग दे रहे हैं और उनसे भी अपील कर रहे हैं। साथ साथ जनपद में पिछले 10 दिवस के भीतर 150 क्विंटल पॉलीथीन नष्ट की गई है और इसमें तकरीबन 50,000 से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। इस दिशा में हम लोग पूर्व से सजग हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और इसके साथ साथ अब प्रत्येक दिन अभियान चलेगा। आज पुनः हम लोग व्यापार मंडल और व्यापार मंडल केवल समन्वित और संयुक्त व्यापार मंडल नहीं बल्कि जितने भी तरह के हैं, किराना व्यापारी, सब्जी व्यापारी, फल व्यापारी और होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, इन सभी को बुला करके पॉलीथीन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में और पॉलीथीन से स्वास्थ्य पर जिसके हानिकारक प्रभाव हैं इसके संबंध में उनको एक तरफ जहां जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे पैनल प्रोविजंस हैं उनको भी लागू करेंगे। इस संबंध में पूरी कार्ययोजना बन गई है। प्रत्येक विद्यालयों के माध्यम से, चाहे वो प्राइमरी से लेकर के डिग्री और इंजीनियरिंग स्तर तक के विद्यालय हैं, इन सभी विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा और हमारी आईसी एक्टिविटीज के अंतर्गत हमने निर्देश दे दिए हैं कि साथ साथ लोगों को विकल्प के तौर पर झूला उपलब्ध कराया जाए। इसमें जनपद में हमारी 18 टाउन्स हैं जिसमें 15 नगर पंचायतें हैं, 3 नगर पालिकाएँ हैं। प्रत्येक जगह के ईओ को निर्देश दे दिया गया है कि समुचित संख्या में झोले बनवा लें और उन झोलों को भी बांटें जिससे कि विकल्प के तौर पर तत्काल लोगों को विकल्प उपलब्ध हो सके झोलों का और लोग झोले का प्रयोग करना शुरू कर दें। तो पॉलीथीन को बंद कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। तो जहाँ एक तरफ पॉलीथीन में चाय पीने से, पॉलीथीन की थैलियों में खाना लाने से, उसके केमिकल दुष्प्रभावों से स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ स्वच्छ भारत मिशन में बहुत बड़ा अवरोध है। यहाँ पर कि पॉलीथीन से नालियाँ चौक को जा रही हैं, सीवर चौक को जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है। तो निश्चित रूप से इन दोनों विषयों पर हम बात करेंगे। तो एक तरफ यहाँ अधिकाधिक मात्रा में जन सहयोग लेकर के जनता को प्रेरित कर कार्रवाई करेंगे, वहीं दूसरी तरफ इसकी जो पैनल प्रावधान है उसको लागू करेंगे और इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि जनपद को पॉलीथीन मुक्त कराएंगे। उन्नाव से संवाददाता प्रभा वाजपेयी के साथ हरमोहन सिंह की रिपोर्ट।